हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस होते क्या है? तो टेंस का अगर हिंदी देखें तो क्या होता है? काल, ठीक है। और ये काल या टेंस, काल वो नहीं जो किसी का काल आ जाए, ठीक है। ये काल वो है जो समय को बताता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप इसे देखें तो ये होते हैं तीन प्रकार के। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे, इस प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में होता है क्या है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं, या फिर इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें एक हो गया। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस इधर दिखाई ना देगा, इसीलिए मैं छोटा लिख दे रहा हूँ टेंस, ठीक है। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और यहाँ पे चौथा क्या होता है मेरा? यहाँ पे तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ हम लोग आज बस ये इसमें से दो ही पार्ट को देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये और ये, ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं और इसको बनाया कैसे जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का जो पोर्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको पढ़ते हैं। बेटा इसमें होता क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान करने के लिए अगर देखे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जिस काल के वाक्यों के अंत में ता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, वा, ते है, आता है, तो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सहायक क्रिया होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ एस और ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगुलर के साथ क्या जोड़ेंगे और प्लूरल के साथ क्या जोड़ेंगे, ये देखते हैं हम। इसका दो रूल बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो रूल्स लागू होते हैं, पहला सिंगुलर के लिए और दूसरा प्लूरल के लिए, ठीक है। तो पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है, ये पहला रूल हुआ जिसके साथ ये रूल किसके साथ लागू होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ही सी इट, ठीक है, एंड नेम के साथ, ठीक है, एंड
नेम के साथ, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का दूसरा रूल होता है मेरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये किसके साथ लगता है रूल, तो ये हमारे प्रोनाउन आई वी दे एंड यू के साथ लगता है, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल इन सब से देख लेते हैं अफर्मेटिव का। जैसे वह खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है। यहाँ पे देखते हैं पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, ता है, इसलिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और इसके साथ रूल क्या लगेगा मेरा, ही यानी कि वह जो है लड़का है, तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे, जो ही हमारा है, और ही के साथ हमारा रूल नंबर फर्स्ट निकालेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट पहला क्या है, ही हो गया, वर्ब क्या है मेरा खाता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इट, इट के साथ एस और यस, एक वीडियो में मैंने बताया था कि एस और यस का यूज करते कैसे कैसे करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो ऑफिसली हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं यहाँ पे, यस तो नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, इट के साथ एस ही जोड़ा जा सकता है। तो ही इट्स टू फूड लिखो या फिर फूड लिख दो, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ अफर्मेटिव में आई वी दे यू के साथ एक एग्जांपल कोई देखते हैं, किसी भी एक प्रोनाउन के साथ देखते हैं। जैसे यहां आप लिख देते हैं यू, तुम, कूदते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आया वही, ठीक है। तो इसके साथ यू के साथ, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू, अब यू आर नहीं लिखेंगे क्योंकि ता थी यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो बस लिखेंगे यू जब, ओके। इसके साथ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। अब पढ़ते हैं हम आज इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, रूल हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यहाँ पे हो जाएगा डू या डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसके साथ एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम पढ़ते, तुम नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे लिखते हैं तुम नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है, यू। अब यहाँ पे देखते हैं डू नॉट किसके साथ लगता है और डज नॉट किसके साथ लगता है, तो मैंने लिखा था यहाँ पे ही सी एंड इट नेम के साथ क्या लिखेंगे, डज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे था, डज नॉट, ठीक है। और यहाँ पे आई वी दे यू के साथ, आई वी दे यू के साथ डू नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हम यू है तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, डू नॉट का यूज करेंगे, यू डू नॉट रीड स्टडी,
ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। अब इसी के साथ क्या करेंगे, हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव तो देख चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका रूल्स क्या होता है, डू या फिर डज, ठीक है, डू या डज आगे हो जाता है मेरा, उसके बाद आता है मेरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वर्ब फॉर्म प्लस ऑफ, ठीक है। अब इसके साथ लिख सकते हैं क्या इंटरगेटिव कभी भी शुरू होता है तो किससे होता है, इंटरगेटिव बनाने के लिए हमारा क्वेश्चन ना क्लास में इंक्लूड होता है, ठीक है। इंटरगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। इसके साथ हम कभी भी सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ये सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या तुम दौड़ते हो, दौड़ते हो, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे उसका, क्या के लिए हम डू या डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या मेरा यू है, तो इसलिए यू के साथ हम डू या डज लगा डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डू, डू यू, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, डू यू रन, ठीक है, रन, बस रन होगा, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव, इंटरगेटिव और नेगेटिव बनके तैयार हो गया, ठीक है। इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, हिंदी के वाक्यों में जिस काल के अंत में रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं आता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे अब देखते हैं डायरेक्ट हम रूल्स के हिसाब से देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, रूल्स लगता है, इसमें सब में एक ही एक एक रूल्स लगता है, अफर्मेटिव का एक रूल्स और नेगेटिव का एक रूल्स और यहाँ पे इंटरगेटिव का रूल्स एक ही लगता है, ठीक है। और इंटरगेटिव और नेगेटिव ये भी होते हैं तो उसको भी पढ़ा देंगे आप अगर कमेंट करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल बनता है, रूल सब्जेक्ट प्लस इज अमार, इज अमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑफ, ठीक है। इसमें अगर देखते हैं लिख सकते हैं वह नहा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकेंगे, ही इज, ठीक है। यहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कि इज एमआर कहाँ लगाते हैं, इज एमआर का यूज कहाँ करते हैं। तो यहां पे मैं छोटा सा एक लिख देता हूँ, इज एमआर का यूज कैसे करते हैं बेटा, हमेशा आई के साथ, आई हमेशा पेटेंट करा लिया है हमको, छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। एम के साथ हमेशा आई ही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे इज किसके साथ लगाएंगे, तो ही सी एंड इट नेम के साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। और यहाँ पे आई भी दे यूज हो गया, आई तो पेटेंट करा लिया एम को, तो यहाँ पे क्या बच गया, यू वी दे, इन सब का यूज किसे करेंगे, आर लगाने के लिए, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आर शुरू होगा और इसके साथ ई शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब और इसके आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ही इज बाथिंग, बाथिंग, ठीक है, ही इज बाथिंग। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कहता है मेरा ही इज बाथिंग, बाथिंग टू क्या लिख सकते हैं, कूल में लिख सकते हैं या फिर कहीं भी पॉन में लिख सकते हैं, कहीं भी नहा रहा हो, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए बस सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसमें। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, लिख सकते हैं मैं लिख सकते हैं मैं बाजार जा रहा नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, ये नेगेटिव इसलिए हम नहीं का यूज करेंगे। इसके साथ अब क्या बनेगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इसके साथ हमारा नेगेटिव भी समाप्त हुआ। जो भी प्रॉब्लम हो एक बार जरूर कमेंट करें। और यहाँ पे देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, रूल लगता है मेरा इज एम आर पहले आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है इसके पहले आ जाता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, जल्दी भी मैंने बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है और कभी क्वेश्चन पूछने के इंटरगेटिव का यूज करते हैं, जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क क्या से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क है, इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे ही के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इज ही गो टू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये दोनों टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा दो टॉपिक और।